हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल प्रीवॉट पॉइंट एंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो यहां पे देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट और आज क्रूड ऑयल प्रीवॉट पॉइंट 5081, फर्स्ट रेजिस्टेंट 5129, सेकेंड रेजिस्टेंट 5171 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 5219, फर्स्ट सपोर्ट 5039, सेकेंड सपोर्ट 4991 एंड थर्ड सपोर्ट 4949। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट मैंने लिया यहाँ पे, तो यहाँ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा हुआ है पीवीएस, आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे आप एक बात क्लियर हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ये हायर हाई बना के आ रहा है, राइट। थोड़ा यहाँ ब्रेकआउट किया तो हायर हाई, तो फिर से रिट्रेसमेंट दे रहा है। अभी हमको कंफर्म करना है ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अभी यहाँ पे लास्ट टू डेज ये रीजन में है। तो यहाँ पे आप ये 50 मूविंग एवरेज है, तो ये आपका होगा 200 मूविंग एवरेज एंड ये है 150 मूविंग एवरेज एंड ये है 100 मूविंग एवरेज और ये है 50 मूविंग एवरेज। तो इसमें देख सकता है तीनों ने कंफर्म किया हुआ है, तो ये अप ट्रेंड में ही है, बट मार्केट अभी क्रूड ऑयल में रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो ये बात हमें कंफर्म करना चाहिए। तो मार्केट अप ट्रेंड में है डेली और डेली अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, लाइक तो यहाँ पे देख सकता है ये इंपल्सिव वेव एंड ये करेक्टिव वेव, ये इंपल्सिव वेव करेक्टिव वेव, ये इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव। तो करेक्टिव वेव में अभी हमको कंफर्म करना है कहाँ तक करेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्टिंग जोन मिला है, यहाँ पे कहाँ एग्जैक्टली लेवल अराउंड 511 एरिया में, और नीचे में और एक सपोर्टिंग लेवल है जहाँ मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है पीवीएस सपोर्टिंग लाइन को, ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस लाइन को कनेक्ट करके मैंने एक यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन अभी। तो ये 200 मूविंग एवरेज भी जाके ये आसपास एक सपोर्टिंग बिग सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है। तो मार्केट आइदर यहाँ तक तो आ सकता है, नहीं तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा या मार्केट और नीचे आने वाला है ये जो 100 मूविंग एवरेज की आसपास, या यहाँ से मार्केट वापस जाएगा ऊपर। तो इसको हमें कंफर्म करना है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जोन में अभी ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल आ रहा है, क्योंकि हमें डेली में कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, हेक एन एसी का कोई भी बुलिश कैंडल नहीं आया अभी। और ये आप देख सकता है स्टॉक स्टिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक स्टिक जो होता है, सॉरी, तो स्टॉक स्टिक भी यहाँ पे नीचे में है, जीरो लेवल का नीचे है, सॉरी सीसीआई। तो स्टॉक स्टिक भी यहाँ पे ओवर सोल जोन में है, तो आप देख सकते हैं ओवर सोल जोन में है। तो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं किया हुआ है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है क्या नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे, तो यहाँ पे मार्केट आज क्या होने वाला है, और ये तो डेली टाइम फ्रेम हमने निकाला। तो आवरली मार्केट क्या रेंज लेके रखा हुआ है उसका ऊपर हम अभी थोड़ा बात करेंगे। तो मैंने जो ये रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्टिंग लाइन दोनों को ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम 4 आवर में, तो 4 आवर में क्या हो रहा है, मार्केट एक कंफर्म कर रहा है कि 4 आवर में ये मार्केट और नीचे आने का चांसेस दिखा रहा है। क्योंकि आप एक बात देख यहाँ पे देखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बना के रखा हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहले ये हायर पॉइंट था, ये इम्पल्सिव वेव, राइट, हायर हाई बनाया है, यहाँ पे हायर लो, मार्केट ऊपर निकल गया। तो इसमें से क्या हुआ, ये पहले करेक्टिव वेव बनाया, लेकिन ये करेक्टिव वेव क्या हो गया, बाद में आके यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव बनाने का कोशिश किया। तो इम्पल्सिव वेव
नहीं हुआ, बाद में ये हो गया इंपल्सिव वेव और ये नेक्स्ट हो गया करेक्टिव वेव, बाद में फिर से एक इंपल्सिव वेव बनाया और मतलब इसका लोअर लो आप देख सकते हैं, ये पहले जो हायर था इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया इसने, और ये लोअर था इसका एक लॉन्ग पोजिशन लोअर, एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव, इसमें आप देख सकते हैं मोमेंट ज़्यादा है तो, और ये ट्रेंड भी बहुत हेल्थी है डाउन ट्रेंड, तो इसमें आके एक डाउन ट्रेंड लोअर पॉइंट लो बनाया, तो बाद में ये हायर लो बनाया, तो बाद में फिर से एक आप देख सकते हैं क्या बनाया यहाँ पे एक लोअर लो, तो ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट और नीचे आने का चांसेस है। तो अगर हम देखें तो इलियट वेव का हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5th वेव भी कंप्लीट किया हुआ है, तो भी ये 200 मूविंग एवरेज का नीचे आया हुआ है, तो एक बात हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि 200 मूविंग एवरेज का नीचे आया तो और भी नीचे थोड़ा आ सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट किया अभी तक ऊपर में क्रॉस करके उसका ऊपर बुलिश कैंडल कोई फॉर्म कर नहीं पा रहा है, तो यहाँ से मार्केट ये करेक्शन दे के और एक यहाँ करेक्शन दे सकता है अराउंड 497 तक, जहाँ पे मैंने दिया तो, नहीं तो और थोड़ा बहुत नीचे भी आप ये सपोर्टिंग लेवल को इसको टच करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा टप सपोर्टिंग लाइन, तो यहाँ पे एक मैंने इसलिए बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सपोर्ट 2 थर्ड 4th, तो इसलिए मैंने एक सपोर्टिंग लाइन बनाया है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखा ये हुआ 4 आवर में, तो 4 आवर में हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट और भी नीचे आने का चांसेस है, बट डेली में करेक्शन का लेवल दिखा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे अभी देखना है आवरली क्या होने वाला है और कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, उसका ऊपर भी मैंने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसका भी थोड़ा बहुत मैं बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जाएंगे हम 30 मिनट या 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट में, तो 15 मिनट में स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, 15 मिनट में स्ट्रांग डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे जो ऊपर जाने का चांसेस रहता है तो उसमें जो ब्रेकआउट पॉइंट है, तो इसमें आप थोड़ा इसमें दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोअर लो बनाया, राइट लोअर लो, तो बाद में ये स्ट्रांग आप लोअर लो ब्रेकआउट किया इसने, इसको लोअर लो हायर हाई ब्रेकआउट अभी तक किया नहीं, तो बाद में क्या हुआ ये और एक आया थोड़ा लोअर लो बनाया, तो जो डाउन ट्रेंड था 15 मिनट में वो मोमेंटम कम हो रहा है, तो इसलिए हमें कंफर्म करना थोड़ा इसमें कंफर्म करना पड़ेगा कि मार्केट अभी क्या होने वाला है, और ये रीजन को जो बोलता है तो साइड वे बन जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा लो बनाया, ज़्यादा लोअर लो नहीं बनाया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ पुल अप हो गया, लेकिन पुल अप हुआ ये पहले जो हायर था ये हायर लेवल को इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देखा ये हायर लेवल इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से मार्केट नीचे एक लोअर हाई बनाया, तो मुझे लगता है अगर इसको अगर तोड़ दे तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। ठीक है, और तोड़ के इसको 200 मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस कर दे तो अभी ये हमें एक कॉन्फर्मेशन मिला हुआ है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का चांसेस भी आ रहा है आज, क्योंकि यहाँ से करेक्शन थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, तो बाद में हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है इसका ऊपर हम थोड़ा बताएंगे आपको, तो अभी मैं आ गया 5 मिनट में। ठीक है, तो अभी मैंने आया 5 मिनट छोड़ी, तो अभी देख सकते हैं ये 5 मिनट में क्या हो रहा है, देख सकते हैं 5 मिनट मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, और ये 50 और जो है 100 मूविंग एवरेज ट्राई कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे एक बात देखना है, अभी आपको अगर एंट्री लेना है तो मुझे लगता है पहले इसको हायर पॉइंट को ब्रेकआउट करने होना चाहिए, जैसे ये हायर लेवल, तो मार्केट ऐसे आके हायर लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है, तो अगर हायर लेवल को इसको ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो बाद में क्या होगा मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो रिट्रेसमेंट करके तो फिर से वो वापस ऊपर जाने का कोशिश करेगा, जैसे बुलिश फॉर्म कैंडल ही है, बुलिश पैटर्न, बुलिश ऐसा कैंडल फॉर्म होगा यहाँ पे ये एरिया में, तो वहाँ पे आप बाय जा सकता है।
अगर यहाँ पे बाय किया तो आपको एसएल कहाँ लगाना है, ठीक है। तो एसएल के लिए मैं बात करेंगे, तो एसएल आप 1 ATR नहीं तो 2 ATR लगा सकता है। तो आपको अब अगर एसएल लगाया तो 1 ATR, 1 ATR, 1 Average True Range, नहीं तो आप 2 ATR लगा सकते हैं। एवरेज ट्रू रेंज आप लगा सकता है एसएल, और बुक प्रॉफिट आप 4 ATR, ATR लगा सकता है, राइट। बुक प्रॉफिट तो 4 ATR कहाँ पे होगा, तो आप देखेंगे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। 1 ATR 2 कितना है, तो 1 ATR कहाँ पे आएगा, अगर आप ये 5125 में अगर बाय करे तो, ठीक है, तो इसका आपको मुझे ATR कैसे लगाता है ये आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा कैसे आपको 1 ATR 2 ATR लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉरी, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी, तो इंडिकेटर में जाके ATR 1 ATR 2 ATR एवरेज ATR यहाँ पे ATR ऑसिलेटर 1 ATR 1 ATR मैंने अप्लाई कर दिया, 14 नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ATR अभी कितना चालू है, आप देख सकते हैं ATR मतलब कैसे होता है 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, ये 5 में चल रहा है ATR, तो 5 बोले तो 5 ATR 10.5 है, तो 2 ATR लगाएंगे तो 5 × 2 मतलब 10 point, तो यहाँ से लेके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आ रहा है, तो इसका नीचे में ही थोड़ा स्टॉप लॉस आ सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।